छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शी योद्धा राजा भारत के हृदय स्थल में 17वीं शताब्दी के दौरान एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित शिवनेरी के पहाड़ी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत के सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध शासकों में से एक बनना तय था। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक वर्ष उथल पुथल और प्रतिकूलताओं से भरे हुए थे। उनके पिता शाहजी भोंसले ने विभिन्न शासकों की सेवा की और युवा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिता के अनुभवों से शासन और युद्ध की कला सीखी। उनकी मां जीजाबाई ने उनमें देशभक्ति और हिंदू मूल्यों की गहरी भावना पैदा की। छोटी उम्र से ही छत्रपति शिवाजी महाराज में नेतृत्व के गुण और न्याय की सहज भावना प्रदर्शित हुई। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए अपनी यात्रा शुरू की, जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक दुर्जय ताकत बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक 1645 में आया जब उन्होंने तोरणा किले पर विजय प्राप्त की, जो मुगलों से मराठा क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के उनके अभियान की शुरुआत का संकेत था। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कई किले जीत लिए और नवीन सैन्य रणनीति और रणनीतियों को लागू करते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार किया। विविध पृष्ठभूमि के लोगों की वफादारी और समर्थन हासिल करने की उनकी क्षमता उन्हें अलग करती थी। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और अपनी सभी प्रजा के साथ उनकी जाति या धर्म की परवाह किए बिना सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के लिए जाते थे। उनके प्रशासन में निष्पक्षता थी और उन्होंने अपने लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया। 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में उन्हें मराठा साम्राज्य के छत्रपति सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। इस घटना ने मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना और छत्रपति शिवाजी महाराज की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता और एकजुट भारत के उनके दृष्टिकोण को चिह्नित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा औरंगजेब के नेतृत्व वाले शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को मात देने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना द्वारा अपनाई गई गुरिल्ला युद्ध रणनीति ने मुगलों को परेशान रखा। कान्हजी आंग्रे के कुशल नेतृत्व में उनकी नौसेना कोंकण समुद्र तट की रक्षा करने और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को चुनौती देने वाली एक दुर्जय शक्ति बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे साहसी उपलब्धियों में से एक 1664 में सूरत के मुगल बंदरगाह पर साहसी हमला था। इस साहसी हमले ने न केवल मराठा मनोबल को बढ़ाया बल्कि मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित किया। उनकी सैन्य शक्ति उनके प्रशासनिक कौशल से संपूरित थी। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों का एक सेट पेश किया जिसने एक मजबूत और विकेंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी। उन्होंने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और उन पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए योग्य प्रशासक नियुक्त किए। किसानों के लाभ के लिए राजस्व प्रणाली का पुनर्गठन किया गया और उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक सहिष्णुता अपने समय से कहीं आगे थी। धार्मिक संघर्ष से चिनित युग में उन्होंने न केवल सभी धर्मों का सम्मान किया बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की नीति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का इनायत पत्र जारी किया, जो पुर्तगालियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में ईसाइयों को सुरक्षा और समर्थन देने वाला एक पत्र था। मराठा शासक न केवल एक योद्धा और प्रशासक थे बल्कि एक दूरदर्शी भी थे। उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना के महत्व को समझा और एक शक्तिशाली बेड़े के निर्माण की पहल की। इस दृष्टिकोण ने अगले दशकों में मराठा नौसेना की सफलता की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज किलेबंदी में अपनी दूरदर्शिता के लिए भी जाने जाते थे। ने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कई किलों का निर्माण या मरम्मत की। पहाड़ियों और चट्टानों के ऊपर स्थित इनमें से कई किले सैन्य इंजीनियरिंग के चमत्कार थे और आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों से भी आगे तक फैली हुई है। वो कला और संस्कृति के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में मराठी साहित्य का विकास हुआ। उन्होंने मराठी भाषा को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि इसका उपयोग उनके प्रशासन में किया जाए, जिससे एक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में इसके विकास का मंच तैयार हुआ।
छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे स्थायी विरासतों में से एक हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा है भारतीय लोगों के लिए स्वशासन। उन्होंने विदेशी शासन से मुक्त अखंड भारत की कल्पना की, एक ऐसी दृष्टि जो आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दुखद बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत उनके वंशजों और उनके द्वारा बनाए गए मराठा साम्राज्य के माध्यम से जीवित रही। मराठा कई वर्षों तक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा प्रमुखता से उभरे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज छत्रपति शिवाजी महाराज वीरता, नेतृत्व और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में पूजनीय हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।